ऑपरेशन, इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बलों की नाकेबंदी की गई है, हाईवे पर गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं सुरक्षा बल। डोडा जहां पर एक आतंकी को सेना ढेर कर चुकी है और अब इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वाहनों की तलाशी ली जा रही है। डोडा एक आतंकियों को सेना ढेर कर चुकी है, डोडा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा के जंगलों में सेना ऑपरेशन चला रही है, इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही है। और अब खबर है, जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों ने बढ़ाई सरदर्दी। जम्मू में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब, जम्मू कश्मीर में 2024 में 11 हिट एंड रन हमले। 2024 में आतंकियों ने की 28 लोगों की हत्या, सेना सुरक्षा बलों और नागरिकों की हत्या। सुरक्षा बलों ने 28 आतंकवाद रोधी अभियान चलाए हैं। जम्मू में 80 से 90 कट्टर विदेशी आतंकी एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं जम्मू को लेकर, जहां पर 80 से 90 आतंकी जो है वो एक्टिव बताए जा रहे हैं, जो कि सेना के लिए एक बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं। हाल ही के दिनों में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों में अचानक से तेजी देखी गई। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों में अचानक से तेजी के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर हैं। आतंकियों के सफाई के लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सेना का ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का होगा पूरा हिसाब, घिर गए आतंकी, अब खात्मे की तैयारी। जम्मू कश्मीर से होगा आतंक का सफाया, देश के दुश्मन जाएंगे जहन्नुम। जम्मू कश्मीर में जारी है ऑपरेशन क्लीन। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में अचानक से तेजी देखी गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी वारदातों में अचानक से तेजी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आतंकियों के सफाई के लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सेना का ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान कई जगहों पर पूरे जंगल को घेर कर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जंगलों में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सेना के जवान लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जम्मू के तमाम इलाकों में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में आतंकी घटनाओं में उछाल 11 अक्टूबर 2021 के बाद से देखने को मिली है। करीब एक दशक बाद ये देखने को मिला है कि कश्मीर की बजाय आतंकी घटनाएं जम्मू में ज्यादा देखने को मिल रही है। जम्मू के पहाड़ी जिलों में बढ़ रही इन आतंकी घटनाओं पर कई रक्षा विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति हाथ से बाहर जा सकती है। पिछले कुछ दिनों से जो आप जम्मू रीजन में अटैक्स का आप सर्ज देख रहे हैं, इसमें इस 600 एसएसजी कमांडोज एयरमार्क इस काम के लिए किए गए, जिसमें से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और कुछ अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे लगता है एक्ट ऑफ वॉर है और इसमें इनकी कोशिश है 16 कोर और 15 कोर को पूरी तरह इन्वॉल्व करना, उसको एंगेज करना इस जंग में। इनका एक शाहिद सलीम लेफ्टिनेंट कर्नल है जो रिपोर्ट्स के मुताबिक अंदर आ चुका है और वो ही सारे ऑपरेशन डायरेक्ट कर रहा है। इन्होंने लोकल नेटवर्क, जो जिहादी नेटवर्क है, लोकल स्लीपर सेल्स, उनको एक्टिवेट किया है। तो मुझे लगता है ये कोवर्ट वॉर है पाकिस्तान ने जो लॉन्च की है और भारत अकॉर्डिंगली इसको डील करे। अनुच्छेद 370 और 35 ए के निरस्त होने के बाद जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है कि आतंकियों ने अपना ध्यान कश्मीर से हटाकर जम्मू पर केंद्रित कर लिया है। अनुच्छेद 370 के खात्मे से पहले आतंकियों का फोकस कश्मीर के इलाकों पर था, लेकिन अब जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। धारा 370 और 35 के निरस्त होने के बाद कश्मीर घाटी में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र पर एक बड़ी कार्रवाई हुई।
सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में अपने आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए। घाटी में हुई मुठभेड़ों में कई शीर्ष आतंकी कमांडरों को मार गिराया गया। इस वजह से घाटी में स्थिति सामान्य होने लगी, लेकिन इसके बाद आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने अपना ध्यान जम्मू क्षेत्र के पहाड़ी जिलों की ओर केंद्रित कर दिया। आतंकवाद का पनागा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को दहलाने की अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। पिछले एक दशक में कश्मीर संभाग में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर प्रचंड प्रहार हुए हैं। आलम यह है कि अब घाटी के युवा आतंकवाद से तौबा करते हुए मुख्य धारा में लौट रहे हैं। पत्थरबाजी के दिन लग चुके हैं। कोई अलगावादी आवाज अब बंद बुलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। यही वो बातें हैं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन को रास नहीं आ रही है और वो बौखला गए हैं। इसलिए अब आतंकी संगठन जम्मू संभाग को निशाना बना रहे हैं। बीते आतंकी हमले कहीं ना कहीं इसकी ओर इशारा भी करते हैं। जानकारी के अनुसार आतंकी न सिर्फ आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि नई तकनीक भी प्रयोग में ला रहे हैं, जिससे उन्हें पकड़ में लाने में चुनौती आ रही है। आतंकी इंटरनेट वॉइस कॉल का इस्तेमाल करते हैं जो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं और उनका पता लगाना मुश्किल होता है। बहरहाल एक तरफ जहां आतंकी जम्मू को दहलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं सुरक्षा बल आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए लगातार एक्शन में हैं। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से ही आतंकी अपने नापाक मंसूबों में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।